start your lecture number 4. Today's topic is multiplication by tens, hundreds and thousands. Let's start our topic. Let's do some examples. First of all, we see that how to multiply by tens. Example number 1 is 124 multiplied by 10. So what will be our answer? We write 124 same as it is written in percent, and then we add 0 in the right side. So our answer is 1240. हम जो 124 परसेंट में होगा इसी तरह लिख लेंगे और ये जो जीरो है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे और ये वन को ऐड नहीं करेंगे हम. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3527 मल्टीप्लाई बाय 10. वी राइट 3527 सेम एज इट इज रिटन इन द क्वेश्चन 3527 एंड देन वी ऐड जीरो इन द राइट साइड. सो आवर आंसर इज 35,270. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखें यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारे पास तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करे थे लेकिन यहाँ पे 50 आ गया. हमने 50 को ट्राई करना है, हमने 50 को हमने 10 बनाना है. तो हम लिखेंगे 3, सबसे पहले हम इसको 10 बताएंगे फिर आगे फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे. सो वी राइट 315 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10. 5 × 10 मल्टीप्लाई बाय 50. सो हमने इसको 50 को हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, यानी इसको हमने पीसीज में कर लिया ताकि हमें इसको सॉल्व करने में आसानी हो. तो अब सबसे पहले हम 315 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई 315 × 5. Our answer is 1575. Then we multiply 1575 by 10. Our answer will be we write 1575 and then we add 0 of 10. हमने 315 को हमने 50 से मल्टीप्लाई करना था. हमने सबसे पहले 50 को हम करेंगे कि यहाँ पे 10 आ जाए ताकि हमें इसको सॉल्व करने में आसानी रहे. तो हमने इसको 5 × 10 कर दिया. तो फिर हमने 315 को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आया 1575. देन हमने 1575 को 10 से मल्टीप्लाई किया. तो हम इसको सॉल्व करने का इजी मेथड है, इसको हम मल्टीप्लाई मतलब इस मेथड से करने के बजाय हम डायरेक्टली इस तरह लिख लेते हैं कि वन क्वेश्चन में जो नंबर है उसको हम सेम इसी तरह लिखते हैं और फिर जो 10 का जीरो होता है तो वो आगे हम लोग ऐसे ऐड कर देते हैं. तो हमारा आंसर आ गया 15,750. ये जो एग्जाम्पल थी ये थी मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस की. नेक्स्ट वी डू मल्टीप्लिकेशन बाय हंड्रेड्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज 3 × 100. तो हम उसी तरह जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस में किया था, क्वेश्चन ये नंबर होगा वो सेम इसी तरह लिख देंगे हम और 100 के जो दो जीरो हैं वो हम राइट साइड पे ऐड कर देंगे. अवर आंसर विल बी 300. नेक्स्ट इज 184/100. वी राइट 184 एंड देन वी ऐड 00 ऑन द राइट साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है 82 को 400 से मल्टीप्लाई करना है. अब हम सबसे पहले हम इसको ट्राई करेंगे यहाँ पे किसी तरह 100 आ जाए ताकि हमें इसको सॉल्व करने में आसानी रहे. तो सबसे पहले हम लिखेंगे 82/4/100. फोर को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 400 आता है. तो सबसे पहले हम करेंगे 82 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे हम 82 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 4 × 8, 8 × 4 = 32. इसका आंसर है 328 × 100. देन अवर आंसर विल बी 328 एंड देन वी एड
82 को 400 से मल्टीप्लाई करना था, हमने 82 पे 400 को पहले हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, यानी 4 इंटू 10 में हमने इसको कन्वर्ट किया, फिर हमने 84 और 4 को मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया 328। देन हमने 328 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 32,800। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन बाय 1000 की एग्जांपल्स है। लेट्स डू दिस एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज 6 × 1000, सो आवर आंसर विल बी 6 एंड देन वी ऐड 000 ऑन द राइट साइड। 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करना था, हमने इसी तरह जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए नंबर इस तरह रिपीट हो जाएगा और जो 1000 के 3 जीरो हैं वो राइट साइड पे हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है 35 को हमने 4000 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 4000 है इसको पहले हम 1000 में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम फैक्टराइज करें यानी इसको हम इनको हम 4000 को हम कर देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1000। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई 35 × 4, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 × 5 = 20, 3 × 4 = 12 एंड प्लस 2 = 14, 140 आ गया आंसर हमारा। देन वी मल्टीप्लाई 140 × 1000 and then our answer will be 140 and then we add equal 0 on the right side, so our answer aa gaya hai 140,000। so humne in examples mein multiplication by 10 100 aur 1000 ke kuch examples kiye, so let's start our exercise. Exercise on page number 11. First question is find the product. Now we multiply 7 by 10. Our answer will be 70. We write 7 and then we add 0 to the right side. Next question, 78 multiply by 10. We write same number as it is given in the question 78. Then we add 0 of 10 to the right side. Next question, 124 multiply by 10, we write 124 and then we write 0. Our answer is 1250. Next, 3024 multiply by 10, we write 3024 and then we add 0 to the right side. Our answer is 30,240. Next, 4 multiply by 100, our answer is 400. We write 4 and then we add 00 to the right side, 400. Next question, 92 multiply by 100, we write 92 and then we add 00 to the right side. Next, 144 multiply by 100, we write 144 and then we add 00 to the right side. Next is 5101 multiply by 100. We write 5101 and then we add 00 to the right side. Next is 3 multiply by 1000. Our answer will be 3000. Next is 9122 multiply by 1000. Our answer is 9122. And then we add 000 to the right side. Next is 522 multiply by 1000. Our answer will be 5022 and then we add 000 to the right side. Next is 7 multiply by 2 and 752 multiply by 300. This question is different from all these questions, from the all other questions. The first of all, we multiply 752 by 3 and then by 100. 752 by 3 is 3 multiplied by 2 is 6,
5 multiplied by 3 15, 7 multiplied by 3 21, and then 22. 2256 by 100. So answer will be 2,556, and then we add triple zeros. Our answer is 2,502,506. 2,052,600. Today's lecture has completed. In this lecture, we discussed that how to multiply by tens, hundred, and thousand, and how we can find our answer directly. So now your homework is workbook page number 7, 8, and 9. Okay. Thank you. Allah Hafiz.